वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे असफर इमाम साहब, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, ही इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। मजीद हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो इस डिस्कशन को मजीद मेंशन किया कि आईएमएफ के जाने के अलावा, आईएमएफ के पास हमारे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और 2008 में जो हमने ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट में हम शामिल होते हुए नजर आए हैं, 2008 में हमारे जर मुबादला के जखायर भी उनमें भी एक मासूम हमने कमी देखी थी, क्या रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला जो फैक्टर है, कुडंट दैट फैक्टर कम इनटू प्ले एट दैट टाइम? देखिए, जहाँ तक उनकी हफीज़ साहब का ताल्लुक है और आईएमएफ में आईएमएफ के पास जाने की बात वो कर रहे हैं, उसके बाहर हमारे पास कोई चारा नहीं। इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। बीइंग फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं रहा कि हमको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा और उनके तमाम शरायत माननी पड़ेंगी जी। जिसमें कि हमारा ये क्या नाम RGST है और ये सारी चीज़ें हमको माननी पड़ेंगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम इन द लॉन्ग रन हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। हमारी जो आवाम है, गरीब आवाम है, इस बात की मुतहमल नहीं हो सकती कि इस किस्म के टैक्सेस जो है ना आप उन पर डालते रहें जिसमें 600-700 प्रोडक्ट पर उनकी टैक्सेस आ जाएँ और उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। अब बात साथ साथ उनको ये भी सोचना चाहिए, IMF ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लाइक डायरेक्ट टैक्स के बारे में कहा है, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? कब सोचना शुरू करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के, कब हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाना शुरू करेंगे? ये सब बातें सोचें। इन द शॉर्ट रन अगर आप इस किस्म के कोई टैक्सेस लगाने जा रहे हैं तो आपके पास आगे 10 साल के लिए पॉलिसी क्या है? अब देखें ना, अब मसला ये है कि ये सिर्फ हल नहीं है कि अब मैं आपको छोटे एक इस तरह की मिसाल दूं कि मैं अगर एक बाप हूं और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट आ जाए, कहीं से पैसा आ जाए, तो मैं सिर्फ ये करूं कि 4 बच्चों को बोलूं कि ये लें, आप पैसे लें और जा करके मज़े करें और ये इस तरह से कुछ दिन में वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मैं अकलमंद बाप हूँ तो मैं अपने बच्चों को कुछ हुनर या कोई ऐसी एजुकेशन, कोई तालीम देना चाहूँगा कि कल को ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ बने, मेरे लिए एसेट बने। बिल्कुल, तो ये हमें करना चाहिए, इस किस्म की सोच हमें करनी चाहिए, ना कि हम 2 रुपए की रोटी और फलां फंड और इस तरह की जो आने आ जाते हैं इन सारी चीजों में, ये लॉन्ग रन में हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट। और असफर साहब, ये भी चीज कि अगर PMLN की तरफ से 10-पॉइंट एजेंडा भी सामने लाया गया है, अगर एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी मजीद हमें क्रिएट होता नजर आ रही है, अब 2 बड़ी पार्टीज की मुल्क की जो हम नेक्स्ट मीटिंग देख रहे हैं 26 जनवरी को, आप समझते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट होना जो है पॉसिबल नजर आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी इस वक्त हम जानना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, ये सुनने में कानों को बड़ा अच्छा लगता है कि ये 2 पार्टियां पर जो है फाइनेंस को डिस्कस करने के लिए मिल रही हैं। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। आने वाला वक्त, अब 2 साल के बाद दूसरा इलेक्शन भी आने वाला है, तो अब इन पार्टीज को जो है ना ये भी सोचना शुरू हो जाएंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें लाइक सब्सिडी देना शुरू कर जाएं ताकि जो है ना हम आगे जाके के हमारे लिए वोट गेन हो। तो खुदा रहा ऐसी चीज़ें अगर ना हो तो बहुत अच्छा है, और वाकई ये लोग दोनों मिलकर करके सोचें कि इनके पास जो है, देखें डार साहब जैसे और अपना हफीज शेख जैसे लोग समझते हैं बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इनसे फ़ायदा उठाएं और अब थोड़ा सा आगे के लिए सोचें कि हम किस तरह को वो कौन सी पॉलिसीज हैं, क्योंकि पार्टीज जो हैं तो पूरी दुनिया में अब सोचती हैं आगे के लिए, ना कि अगले इलेक्शन के लिए। तो हमको थोड़ा सा अपनी सोच बदलनी होगी कि ना कि हम 1-2 इलेक्शन के बारे में सोचें, हम पाकिस्तान के लिए सोचें कि हम कौन सी पॉलिसीज जो है ना पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के लिए आगे जाके। सही। अच्छा, अब यहाँ पे GDP भी जो हम देख रहे हैं 2.5%, डॉक्टर हफीज शेख ने भी मेंशन किया कि 2.5% हम अचीव कर सकेंगे 2010-2011 के फिस्कल ईयर में, जो अभी रवा माली साल है। यहाँ पर इसको बेहतर बनाने के लिए गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, हमने फ्लड्स का भी इम्पैक्ट देखा और जो कि लास्ट ईयर जो हमने GDP अचीव की थी वो एक बाई फ्लूक हमें, क्योंकि हमारा LSM सेक्टर भी जो है थोड़ा बेहतर परफॉर्म हमें करता हुआ नजर आ गया था। यहाँ पे फिलहाल मैं पूछना चाहूंगी कि मजीद गोइंग फॉरवर्ड आगे, क्योंकि रीजनल मार्केट से भी, अगर रीजनल कंट्रीज से भी कंपेयर करते हुए हम देखें तो हमें अपनी पोजीशन भी बेहतर बनानी है, इस वक्त कंपेरेटिव लेवल्स पे आना है, 2 के हम काफी टाइम लगेगा इस चीज पे, लेकिन इनिशियली हम स्टार्ट ऑफ पर इस चीज किस तरह स्क्रैच से कर सकेंगे कि हम अपना GDP बेहतर बना सकें? देखिये, मैं आपको हमेशा एक बात, पहले भी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम रीजनल मार्केट पे देखें तो इस वक्त जो है वो हमसे क्यों आगे हैं, सिर्फ और सिर्फ है कि पर यूनिट कॉस्ट उनकी कम है।
पर यूनिट कॉस्ट क्यों कम है कि आपकी उनकी इलेक्ट्रिसिटी है, उनके पास जो है उनके पास गैस और जितनी भी रिजर्वाइज हैं यानी कि रॉ मटेरियल उनको कम पड़ता है, लेबर उनको सस्ती पड़ती है, ओवरहेड्स उनके बहुत कम है, तो ये एक मेन वजह है जहाँ की उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाती है और पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाता है, वो कम्पीट कर पाते हैं पूरी दुनिया में। आप जी डी पी देखें ना, खुद बखुद ही कैसे नहीं होगा जिस मुल्क में जो ये तमाम चीज़ें सारी फैसिलिटीज हों, तो हमें हमको ये टूल्स सीरियसली लेने पड़ेंगे और हमें पर यूनिट कॉस्ट कम करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है हमारे पर यूनिट कॉस्ट कम होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर होगा, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इनको बेहतर करना पड़ेगा, ये सब चीजें मिलकर एक साथ चलेंगी आगे जाने के लिए। राइट, एक और शॉर्ट ब्रेक का हमें अनाउंसमेंट के इंस्ट्रक्शन आ चुका है, ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट्स की भी परफॉर्मेंस। लास्ट वीक हमने 0.8% का डिक्लाइन देखा था कैपिटल मार्केट्स में ऑन अ वीक ऑन वीक बेसिस, जहां पे वॉल्यूम्स हमें अप्रिशिएट करते हुए नजर आए थे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज मार्केट्स।